Hello guys, welcome back. I am Avi Says. So today I am here to share a must horror story along with भूत की पाठशाला जो कि हमारे किसी दूर के कजिन के साथ घटा है. सो मैं आप क्लियर कर देती हूँ, जो लोगों को पता है पहले से सब्सक्राइब किए वो उनको शायद पता होगा, और जो लोग नए एडेड हुए हमारी जर्नी में कि हम दोनों बहने हैं एंड शीज में बड़ी बहन. ओके, सम्मान दे दिया, ले ले. शीज में बड़ी बहन बस उनके लिए, जो लोग पुराने उनको पता है क्योंकि हमने एक वीडियो हॉरर पर्सनल हॉरर स्टोरी बनाए हुआ है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी चेकआउट करना, वो भी है ना. हाँ ओबियसली ओबियसली देखना पड़ेगा वो भी. सो देरी ना करते हैं, छठ पर शुरू करते हैं. तो एक्चुअली गाइस, हम आज आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं ना, वो हमारी एक दूर की कजिन के साथ घटी थी. तो हम लोग कुछ पर्सनल इशू के कारण उनकी नाम हम रख देते हैं सपोज करण. ओके, तो वो जो करण भैया थे ना, उनको नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाना था. बेसिकली उनको बचपन के सपना था उनको डॉक्टर बनने का. तो आप लोग में से बहुत लोगों का सपना होगा नीट में नीट क्रैक कर डॉक्टर बनने का, सबका ही सपना होता है. या फिर जेई क्रैक करके इंजीनियर और एक्टर मॉडल जो कुछ भी ना कुछ तो सपना सबका ही होता है, सबकी होती है ना. हमारी भी थी लेकिन टूट गई, टूट गई, रियलिटी है क्या. लेकिन उनकी जो सपना था तो उनको ऐसा था कि नहीं, मुझे परसू करना ही है बाय हुक और बाय क्रूक. उन्हें डॉक्टर ही बनना था, उन्हें कुछ और नहीं लाइफ में बनना था. और उन्होंने बचपन से जो सपना देखा था टचवुड, उसने वो बन गए वो एक डॉक्टर. बट उस जर्नी में उनको बहुत कुछ सहना पड़ा और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी, जो आज हम बताने वाले हैं आपको. तो ध्यान देख के सुनना क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है. तो चलो शुरू करते हैं. उनकी ट्वेल्थ की बाद उन्होंने कोटा जाने की प्लान कर लिया था कि कोटा जाके नीट की प्रिपरेशन करना है. तो आपको जानते, आप लोगों में से बहुत लोगों को ही पता होगा कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत लोग कोटा जाते हैं, और कोटा जाने के लिए आपको पीजी इंस्टीट्यूशन जो जिसमें आप कोचिंग लेते हैं उसको बुक करना होता है बहुत महीने पहले ही. तो और हॉस्टल भी लेना पड़ता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर बच्चे आते हैं अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए. तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, तो जो खाली प्लेस नहीं मिलता है, होटल पीजी मतलब खचाखच भर जाता है, जगह पर भरा हुआ था. सबके बहुत महीने पहले ही रूम बुक कर लेना होता है. तो ऐसे ही करण भैया ने भी रूम बुक कर लिया था और इंस्टीट्यूट भी बुक कर लिया था. और जाने के एक हफ्ते पहले ना उनके पापा की हेल्थ थोड़ी सी डिटोरेट हो गई थी, मतलब उनको थोड़ी कोल्ड फीवर ऐसा था, ज़्यादा कुछ नहीं था. बट उनके जाने से 2 या 3 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी फैमिली में चल रहा था और बच्चे को वहाँ दूर जाके पढ़ाना है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, हॉस्पिटल की बिल, मेडिसिन वगैरह, और बच्चे को इतना दूर भेजने की जो है ना, मेंटल हेल्थ की भी बहुत डिटोरेशन हो रही थी. हाँ, और हॉस्पिटल भी मतलब उनकी, मतलब करण भैया की जो दादी थे ना वो बुजुर्ग थे, तो फिजिकल मेंटल मतलब दोनों ही डिटोरेट हो जा रही थी उनकी फैमिली मेंबर्स को. तो उस टाइम में उसको उनके पापा को इतना शायद हजम नहीं हुआ होगा, उनकी हेल्थ में कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हो गया था उस चीज़ का, और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था. तो आप सोच ही सकते हो कि जो बंदा कुछ दिन बाद बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था, अब उसे अपने पापा को लेके हॉस्पिटल में दिन रात बैठना पड़ रहा है. ऑब्वियसली कोई भी बच्चा अपने पिताजी को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता. तो
कुछ दिन के बाद उनकी मतलब कर्ण भैया की पिताजी की हेल्थ में थोड़ा सुधार आया। कुछ दिन नहीं बहन, कुछ महीनों हो गया था। हाँ, कुछ महीनों बाद उनकी मतलब 2 महीने कह सकते हो, 2 महीने बाद कर्ण भैया की पापा की हेल्थ में सुधार आने लगा, थोड़ा बहुत सुधार आया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी जो हेल्थ इशू है उसके लिए मेरी बेटे की जो पढ़ाई है उसमें कुछ और ऑब्वियसली उन लोगों ने पैसा भी दे दिया था। हाँ, तो इसीलिए करण भैया को भी उन्होंने प्रेशर किया कि अब चले जाओ। और करण भैया को भी ठीक लगा कि अब पापा का हेल्थ जब थोड़ा ठीक है तो मैं जा सकते हैं। तो उन्होंने फ्लाइट लेके चले गए कोटा में। तो उनकी तो सब बुकिंग थी, लेकिन जो उन्होंने 2 मंथ या 3 मंथ जो लेट गए हैं ना, उस टाइम पे जो उनकी जो पीजी था उसमें तो वो फुल हो गया था। क्योंकि देखो, एक लोग जब थोड़ा टाइम जब लगाता है तो लेट आया था, तो दूसरा स्टूडेंट आके नहीं, कोटा के मतलब कोटा में जो उसने पीजी लिया था ना, तो उसके मालिक को लगा कि शायद वो नहीं आने वाला है। तो इसीलिए उनकी रूम दूसरे को दे दिया गया। फिर उनको बोला गया कि आप शेयर रूम में रह लो, जिस बंदे को हमने रूम दिया आपका, उस बंदे के साथ आप शेयर में रह लो। तो करण भैया की एक बहुत ही बैड हैबिट है कि आप बैड हैबिट कह सकते हो या फिर गुड हैबिट ये आपके ऊपर है। बहुत लोगों को होता है ना कि उन्हें अकेले रहना पसंद है, पढ़ाई तो भी वो अकेले करना पसंद करते थे। तो उन्होंने उस मतलब वो चाइल्डहुड से ही अकेला रहना, करण भैया के पास ना अपनी रूम शेयर करने के लिए लाइफ में कोई था भी नहीं। वो बचपन में वो अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे, तो वो अकेले बड़े हुए और किसी के साथ उनको प्राइवेसी पूरा मिला, उनको किसी के साथ ना रूम शेयर करना पड़ता था, ना पढ़ाई में किसी की इंटरफेरेंस, कुछ नहीं। और वो जो थे ना करण भैया, उनको रात में जाग के पढ़ना पसंद होता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कुछ लोग सुबह में जा के पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में जाग के पसंद करते हैं, अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन उस टाइम में करण भैया ने मान भी लिया था कि हाँ मैं शेयर कर लूँगी। हाँ बहन, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं था ना, तब कर लूँगा। लेकिन उनका जो टीममेट था ना, मतलब रूममेट था, तो वो ना सुबह सुबह उठ के पढ़ता था। लेकिन उनको आदत था कि बहुत लेट जाग के पढ़ना, तो मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था ना कि करण भैया सिर्फ पढ़ाई खत्म करके सोते थे और वो जो बंदा था वो जोर जोर से पढ़ता था। तो ऐसे में करण भैया अपनी नींद भी पूरी नहीं कर सकते थे। और अब सोच लो, एक बंदा जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे, उसकी नींद तो ऑब्वियसली थोड़ी जरूरत है। उसके लिए क्या, हर एक बंदे के लिए अपनी नींद पूरा करना जरूरी होता है। तो उस टाइम पे उन्हें लगा कि नहीं, मेरी तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है, मेरी ठीक से मतलब सोना भी नहीं हो रहा है, सोना भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने, और एक्चुअली उनकी कुछ दिनों बाद ही उनकी मॉक टेस्ट होने वाला था, तो इसलिए उन्होंने उनकी जो पीजी था उसकी सुपरवाइजर से बात किया, रिक्वेस्ट किया। हाँ, तो कुछ दिन बाद उस सुपरवाइजर ने उनको सजेस्ट किया, बहुत दिन तक रिक्वेस्ट किया कि हमें प्लीज़ एक अकेले रूम दे दो, कहीं भी दे दो, छोटा रूम बड़ा रूम मुझे सब चलेगा, बट मुझे अकेले देना चाहिए रूम दे दो। हाँ, क्योंकि वो स्टडी में भी फोकस नहीं कर पा रहे, थोड़ा प्राइवेसी इशू भी उन्हें था। आप समझ रहे हो ना, जो बंदा घर में अकेले बड़ा हुआ है, एक रूम में अपना सब कुछ था उसका, और यहाँ पर किसी अनजान के साथ, वो भी नहीं कोई भाई या कुछ, अपने अनजान के साथ उसे अपना रूम शेयर करना था, पढ़ भी लेना था, सब कुछ करना था, उसमें अपना नींद भी पूरा नहीं कर पा रहा था वो। और कुछ दिन बाद ही मॉक टेस्ट भी था, और उससे पहले उसके पापा का भी ऐसा हाल था, तो उसे तो नीट क्रैक करना ही था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर भी था कि मेंटल इशू भी हो रहा था उस टाइम पे उनको। हाँ, नींद की तो पूरा ज़रूरत था उनको, तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो रूम चेंज करेंगे। तो वहाँ पर लकीली या फिर अनलकीली अवेलेबल था थर्ड फ्लोर में, मतलब मैं बोल देती हूँ कि वो जो बिल्डिंग था वो 3 फ्लोर का था। सो फर्स्ट फ्लोर में पूरा रूम थे,
ग्राउंड फ्लोर में भी ऐसे थे, सेकंड फ्लोर में भी ऐसा था, और थर्ड फ्लोर में सिर्फ एक रूम था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, रूम था। और उसके साथ ही मतलब उसका छत था, सीढ़ी से ऊपर उठ के एक रूम और उसके साथ एक छत और कुछ नहीं। तो उस सुपरवाइजर ने उन्हें इस रूम में रहने के लिए साजिश किया और वो भी मान गए उस टाइम पे। उन्हें सही लगा कि हाँ मुझे एक रूम मिल रहा है, स्टोरी में सही मिल तो रहा है ना। हाँ, उस सुपरवाइजर ने बोला कि मैं उस रूम को साफ सफाई करवा दूँगा। तो उन्हें और भी अच्छा लगा कि मुझे साफ सफाई भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बना बनाया हुआ रूम में चला जाऊँगा। तो उस टाइम में वो उनकी जो सामान वामान थी ना उस रूम में, एक ही बात थी कि उस रूम के सामान को सुपरवाइजर ने बोला कि हाथ मत लगाना। और वो चीज़ ना करण भैया को थोड़ा और लगा कि ऐसे चीज़ जो फेंका हुआ चीज़ है वो मतलब क्यों ही रखना। कपड़े वपड़े भी थे कुछ ही उस सामान, वो क्यों रखेंगे, वो उनका पर्सनल रूम है। किसी और का चीज़ आप ही सोचो ना, आप किसी की पर्सनल यूज चीज़ थोड़ी ना घर में रखोगे। बट सुपरवाइजर ने बोला कि आपको अगर रहना है तो आप रहो, वरना कहीं और देख लो अपना। उस रूम में कवर था, उस कवर को हाथ मत लगाना। हाँ, उस वाला चीज़ रख दिया, आप छूना मत। हाँ, आपको अगर चाहिए दूसरा कवर तो आप दूसरा कवर ले आओ, लेकिन उस कवर को हाथ मत लगाना। तो उस और करण भैया ने ये भी रिक्वेस्ट कर लिया था कि अगर आप चाहते हो कि आप कवर ले लो ना मेरे रूम से, क्या ज़रूरत। वो भी रूम थोड़ा ऐसा कंजेस्टेड था, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, ओब्वियसली सिंगल रूम था वो। और आपको पता होगा मतलब कोटा या कहीं भी पीजी का जो रूम होता है सिंगल रूम, इतना बड़ा तो होता नहीं है, बस एक स्टडी टेबल और थोड़ा बहुत चीज़ बेड और थोड़ा बहुत चीज़ रखने की जगह होता है। फिर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे चलो रूम तो मिल ही, मुझे स्टडी करना और रूम में सोने के लिए ही आना है, लेकिन बाकी समय तो मुझे स्टडी क्लास में लेक्चर अटेंड करने में ही चला जाएगा। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो कुछ दिन तो ठीक ठाक ही चला गया, कुछ दिन तो चला मतलब जब वो रात में पढ़ते थे ना, हाँ, उन्हें लगता था कि बाहर कुछ चल रहा है। हाँ, चल रहा है और कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है। तो उन्हें ना रोज़ रात को एक आवाज़ आती थी कि छत में कोई चल चल के पढ़ रहा है। तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी किसी को आदत होता है कि बुक लेके चल चल के पढ़ना रात को, स्पेशली क्योंकि नींद आ जाती है ना। तो जो स्कॉलर स्टूडेंट है और जिन लोगों की बहुत ही एम्बिशियस स्टूडेंट है, वो चल चल के पढ़ते हैं ताकि नींद ना आए। तो उनको लगा कि ऐसे ही कोई स्टूडेंट होगा जो सेकेंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर की होगा, वो आके छत में पढ़ रहा है। तो उन्होंने इसमें ध्यान भी नहीं दिया और उसको टोकने की भी सोचा नहीं। वो उनकी स्टडी, उनको लगा कोई बंदा का टोक के क्या मिलेगा, वो भी पढ़ रहा है मुझे भी पढ़ने दो, उन्होंने उनकी स्टडी में ही फोकस किया। तो ऐसे ही 2-3 दिन निकल गया और मॉक टेस्ट भी सामने आ गया था। दो तीन दिन बाद ही उनकी मॉक टेस्ट था। तो उन्होंने पढ़ने में ही फोकस कर लिया था। तो जब उनकी लेक्चर होता था ना, तो वो लेक्चर क्लास ख़त्म करके जब वो उनकी पीजी की रूम में आते थे, तो उनको मिलता था कि वो जो उन्होंने घर से जो मिठाई, सूखा मिठाई जो लेके आए थे, वो ना वो डब्बा, हाँ वो डब्बा खुला होता था और जो अमाउंट उन्होंने खाया हुआ था उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होता था। तो उनको लगता था कि शायद मैंने खा लिया ज़्यादा और जो पैकेट शायद मुझे मैंने पढ़ते पढ़ते खा लिया होगा याद, और डिब्बे की जो ढक्कन है वो लगाना भूल गया। तो उन ऐसे 2-3 दिन होने के बाद उन्होंने, और ऐसा भी तो होता था ना मतलब वो जब पढ़ाई ख़त्म करके सोते थे तो उनको सुबह उठने के बाद वो देखते कि उनका जो बुक है वो ओपन मिलता था, लेकिन उनको याद होता था कि उन्होंने उनकी बुक को बंद करके सोया है।
तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, उनकी एग्ज़ाम 2-3 ख़त्म भी हो गए। तो एग्ज़ाम उनकी लास्ट एग्ज़ाम की पहली उनकी लास्ट एग्ज़ाम की एग्ज़ाम से पहले रात, हाँ पहले रात उनके साथ क्या हुआ आप सुनो, आपकी रोम कांप जाएगी। सो मेरी तो बंस हो रही है। करण भैया जो थे ना, ऐसे तो रात में जाके पढ़ना पसंद करते थे, बट एग्ज़ाम से पहले वो जैसे 12-1 बजे के पहले ख़त्म करके थोड़ा सो जाते थे, रिलैक्स माइंड, हाँ ताकि एग्ज़ाम में जाके उन्हें नींद ना आ सके। तो ऐसे वो सो रहे थे और सपने कौन नहीं देखते, बहुत लोगों ने ऐसे डरावने सपने देखे भी होंगे। और वो सपने में ऐसा था कि अपने सपने में वो खुद को मतलब उसी बिस्तर पे लेटे हुए पा रहे हैं, सो रहे हैं, और उनके सामने उनका स्टडी टेबल था। वहाँ पर कोई एक बंदा, अनजान बंदा, हाँ उनकी एज का ही था, हाँ वहाँ सो रहा, मतलब सॉरी मतलब बैठ के पढ़ रहा था। सॉरी गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जब मतलब सोचती हूँ ना मुझे जैसे गूज़बम्प्स आते हैं। करण भैया ने जब खुद बताया था ना, मैं जब इमेजिन करती हूँ ना ऐसा हो रहा है इस इवेंट, तो मुझे एक एक पल के लिए मुझे लगता है मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ घटता तो मैं तो जिंदा नहीं रहती भाई, टपक नहीं जाती यार। हाँ मैं तो, मुझे इतना हिम्मत नहीं होता। करण भैया का तो हेल्थ मतलब, और क्या बताऊँ, उसके बाद ना करण भैया को इन सारे चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया था, और इतना हेल्थ डिटोरेट हुआ था ना, आप लोगों को उनको भरोसा था लेकिन इतना भी नहीं, 100% भरोसा नहीं था उनको, 5% या 10% भरोसा था लेकिन 100% नहीं था। बिकॉज आप अब जानते ही हो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा कम बिलीव करते। तो क्या